बिलासपुर से बड़ी खबर मिल रही है। न्यायधानी में कांग्रेस नेता पर अंधाधुंध फायरिंग, सिर पर लगी गोली। मौके वारदात पर आईजी एसएसपी समेत आला अधिकारी। बिलासपुर न्यायधानी में बदमाश बेखौफ हो गए हैं। एक कांग्रेस नेता की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता के सिर पर गोली मारी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस महामंत्री की गोली मारकर हत्या की गई। बताया जा रहा है कि ये सकरी की वारदात है। ओहर ब्रिज के पास खूनी खेल खेला गया। इस खौफनाक वारदात से इलाके में सन्नाटा पसर गया है। बताया जा रहा है कि हत्या जमीन विवाद को लेकर की गई है। जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री की गाड़ी में गोलीबारी हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम संजीव त्रिपाठी बताया जा रहा है। आईजी और एसपी मौके पर मौजूद हैं। सूत्रों के मुताबिक मृतक संजीव त्रिपाठी के खिलाफ बिलासपुर के कई थानों में आपराधिक मामले दर्ज है। इसमें एक जानकारी मिली है जिसमें संजीव ने अपने भाई कपिल त्रिपाठी पर जानलेवा हमला किया था। इसके खिलाफ सिविल लाइन थाने में 307 का मामला दर्ज है। इस मामले में फरार चल रहा था। हालांकि इसे हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत भी मिल गई थी। कांग्रेस के जिला महासचिव संजीव त्रिपाठी बुधवार दोपहर सकरी बाईपास में कहीं जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में बदमाशों ने उसे रोका और उसके सिर में ताबड़तोड़ गोलियां दाग दी गई। घटना के वक्त आसपास कुछ लोग मौजूद भी थे, लेकिन बदमाश मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके से गोलियों के टुकड़े बरामद किए हैं। फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि यह पूरी घटना जमीन विवाद को लेकर हुई है, ऐसी आशंका जताई जा रही है, लेकिन पुलिस को अभी तक इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है।